दीदी जेना कि अहाँ हमरा बतेने छलौ कंप्यूटर में कोनो प्रोग्राम पर कार्य करय के लेल ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यवस्था होय छै की अहाँ हमरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता सकै छी। बिल्कुल रोहन, चलू हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करै छी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम छै जे कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम में पारस्परिक संबंध स्थापित करय में हमरा सबके सहयोग करैत अछि। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार छै। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता वा कंप्यूटर के मध्य एक माध्यम सँ एक कार्य करैत अछि। सब प्रोग्राम में चलाव के लेल ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यकता होइत अछि, मुदा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप चालू भऽ जाइत अछि। कंप्यूटर के चालू करैत समय ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप चालू भऽ जाइत अछि। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन मेन काज, ई कंप्यूटर के नियंत्रण करैत अछि और सब भाग के उचित संबंध में मिलाबैत अछि। ई उपयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य पारस्परिक संबंध के सुगम करैत अछि। ई इनपुट व आउटपुट यंत्रों के नियंत्रित करैत अछि। एहि कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन के नियंत्रण करैत अछि। ई कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के प्रोग्राम के व्यवस्था रखैत अछि। ई फाइल के व्यवस्था राखा या फिर ओहि में काम करे में अहाँ के सहायता करत। ऑपरेटिंग सिस्टम के दू हिस्सा में विभाजित केल गेल छे। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एकर शॉर्ट नेम CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एकर शॉर्ट नेम GUI। अब एक एक कह हम एहि बारे में विचार करब। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI में कोनो तरह के आइकन या चित्र नहीं होइत अछि। ई केवल लेख वा अक्षरों पर चलैत अछि। हम CUI पर लेखीय निर्देशन जेना रीनेम, CLS, CD, MD और DI आर डायरेक्टरी पर कमांड निर्देशन द का कार्य कर सकै छी। CUI के उदाहरण अछि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के पृष्ठभूमि चित्र वाला होइत अछि और साथ साथ बहुत सारा आइकन भी ओहि में होइत अछि। GUI के उदाहरण अछि विंडोज XP, विंडोज NT, विंडोज 7 और Ubuntu। GUI के पुनः दू हिस्सा में विभाजित केल गेल अछि। संपत्तिक मालिकान सॉफ्टवेयर, स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर। मालिकाना सॉफ्टवेयर एक प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर छे जेकर लाइसेंस्ड कॉपीराइट धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधीन होय छे। मालिकाना सॉफ्टवेयर के लेल लाइसेंस के आवश्यकता होय छे। ओकर फीस देबा के बाद या भुगतान करा के बाद ए प्राप्त होय छे। एकर प्रयोग वैलिड लाइसेंस प्राप्त हुआ के बाद ई कैल जाय छे। उपयोगकर्ता एकरा नै त परिवर्तन आ नै साझा कऽ सकैत अछि और नै पढ़ सकैत अछि और नै पुनर्वर्तित कऽ सकैत अछि। मालिकान सॉफ्टवेयर के सामान्य उदाहरण छे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, INC, IBM, ऑपरेटिंग सिस्टम व यूनिसिस। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एगो सॉफ्टवेयर होय छे जेकर उपयोगकर्ता इंटरनेट से बिना कोनो फीस के डाउनलोड कर सके छी। ई एगो खुलल लाइसेंस के तहत उपलब्ध होय छे जे उपयोगकर्ता के सॉफ्टवेयर परिवर्तित करा के, साझा करा के और पुनः परिवर्तित करा के आजादी दे छे। यूनिक्स, लिनक्स, ऑरोरा UX, ओपन सोलारिस। अपना सबके माइक्रोसॉफ्ट
विंडोज के बारे में जाना चाहिए, जे की सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम छे। अरे हाँ, हम तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में बहुत सुनने छिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित केल गेले वा बेचे के लेल ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के श्रृंखला छे। अधिकतर जे कंप्यूटर में हम प्रयोग करे छी ओय में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्व स्थापित होइत अछि। अहाँ के कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं अछि त अहाँ अनुगप प्राप्त सॉफ्टवेयर प्रमाणित सॉफ्टवेयर विक्रेता के ओहिठमन जाकर खरीद सकै छी। ऐ के अतिरिक्त ऐ सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट के भी वेबसाइट से ऑनलाइन भी खरीद सकैए। GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग कर वा ओय में संगठित कर में अहाँ के सहायता करत। विंडोज WISIWYG प्रकार के इंटरफेस होत अछि, जे अहाँ देखबे वह अहाँ के देखायत। यदि अहाँ कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज अछि त कंप्यूटर चालू करते सबसे पहले देखा वाला स्क्रीन डेस्कटॉप कहबैत अछि। अहाँ विंडोज डेस्कटॉप के प्रयोग सब प्रोग्राम में संचालित कर में संगठित कर में कऽ सकै छी। डेस्कटॉप दू भाग में विभाजित होइत अछि, मुख्य भाग या विंडोज डेस्कटॉप तथा टास्क बार। नीचा देल गेल पतली पट्टी के टास्क बार कहैत अछि। टास्क बार में स्टार्ट बटन होइत अछि, जै के जरिए हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम तक पहुँच सकै छी। टास्क बार के पृष्ठभूमि के वॉलपेपर कहैत अछि। कंप्यूटर चालू करे पर सबसे पहले देखा वाला स्क्रीन डेस्कटॉप कहलावैत अछि। डेस्कटॉप पर देखा वाला छोटका छोटका चित्र आइकन कहावैत अछि। ई आइकन फाइल प्रोग्राम और फोल्डर के शॉर्टकट छै, जै के जरिए अइ में आसानी से वा जल्दी से पहुँचल जा सकैत अछि। स्क्रीन के सबसे नीचा क्षितिज के समांतर पट्टी के टास्क बार कहैत अछि। टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दोसर तरफ कई छोट छोट आइकन वा शॉर्टकट होइत अछि। कंप्यूटर पर चल रहल सब एप्लीकेशन वा प्रोग्राम टास्क बार पर आइकन के रूप में देखाइत अछि। एप्लीकेशन वा प्रोग्राम अही आइकन के द्वारा एक्सेस कयल जाइत अछि। टास्क बार एगो आसान तरीका प्रदान करे छी, जे स्विच करे छै जहाँ कंप्यूटर पर मल्टीपल प्रोग्राम चलाय छै। बहुत सारा एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहल छै और टास्क बार पर सब आइकन के लेल स्थान कम होइत अछि, त एक तरह के आइकन एक समूह में आबि जाइत अछि। स्टार्ट बटन के द्वारा अहाँ अन्य प्रोग्राम वा सिस्टम के अन्य उपयोगिताओं के प्रयोग कऽ सकै छी। स्टार्ट मेनू में मौजूद कंट्रोल पैनल के उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सेटिंग के बदले के लेल कयल जाइत अछि। स्टार्ट मेनू के हेल्प और सपोर्ट मेनू के उपयोग विंडोज पर कार्य के दौरान आवश्यकता पड़े पर सहायता प्राप्त करे के लेल कयल जाइत अछि। स्टार्ट मेनू के सहायता से अहाँ मात्र एक क्लिक में कंप्यूटर के बंद कर सके छी आ लॉग अप आ पुनः चालू कर सके छी। निम्न प्रक्रिया से अहाँ अपन सिस्टम के तारीख व समय परिवर्तन कर सके छी। पहले टास्क बार पर दायां तरफ देल गेल तारीख व समय पर क्लिक करू, तब एक घड़ी व कैलेंडर दिखायत। टास्क बार पर तारीख व समय पर क्लिक करू। अब समय व तारीख परिवर्तन लिंक पर क्लिक करू। समय व तारीख निर्धारित करू। परिवर्तन के सेव करा के लेल ओके दबाऊ और तहां डेट और टाइम के डायलॉग बॉक्स में रिटर्न आइब जाओ। परिवर्तन सुरक्षित करा के लेल ओके पर क्लिक करू। समय और तारीख डायलॉग कोष्ट के बंद। डेस्कटॉप वाले स्क्रीन वा उ भाग अछि जै में अहाँ कंप्यूटर लगन कर पर देखाइत अछि। आइकन के पाछा देखा वाला चित्र दृश्य के
वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप के पृष्ठभूमि कहत अछि। जब अहाँ अपन कंप्यूटर के कुछ समय के लेल निष्क्रिय छोड़ दै छिए त एक चित्र अथवा लेख के चल चित्र के प्रदर्शित होत अछि, ऐसा स्क्रीन सेवर कहत अछि। अहाँ अपन कंप्यूटर के वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप के पृष्ठभूमि आइकन के अपन इच्छा से चित्र और पृष्ठभूमि बदल सके छी। पहिल डेस्कटॉप के खाली स्थान पर माउस के दायां बटन दबाओ, तत्पश्चात सूची के पर्सनलाइज विकल्प पर क्लिक करो, तत्पश्चात डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करो, डेस्कटॉप के पृष्ठभूमि पर क्लिक करो, तत्पश्चात चित्र व चयन करो और वही में डेस्कटॉप के पृष्ठभूमि के नियत करो। अंत में सेव चेंजेस के बटन दबा के परिवर्तन के सुरक्षित कर दियो। यदि अहाँ डेस्कटॉप के स्क्रीन सेवर परिवर्तन करना चाहे छी त एहि प्रक्रिया के अपनाओ। पहिल डेस्कटॉप के खाली स्थान पर माउस के दायां बटन दबाओ, तहां सूची के व्यक्तित्व विकल्प पर क्लिक करो, डेस्कटॉप के स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करो, तब स्क्रीन सेवर के ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करो, सूची से स्क्रीन सेवर चुनो, तत्पश्चात स्क्रीन सेवर चालू कर के लेल वेट कमो वक्स में प्रतीक्षा समय में मिनट निर्धारित करो। तब अहाँ प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके स्क्रीन सेवर के प्रीव्यू देख सके छी। तब अहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक करके स्क्रीन सेवर चुनो। अंत में सेवा या सुरक्षित बटन दबा के परिवर्तन की सुरक्षित करो। अहाँ के नया स्क्रीन सेवर सेव भौ जाय। अब रोहन ई याद रख के एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम व व्यक्तिगत कार्यक्रम के लेल उपलब्ध कोनो सूचना के फाइल कहते छ। एक फाइल एक दस्तावेज चित्र संगीत या चलचित्र भ सकत अछि। बहुत सारा फाइल के एक स्थान पर राखे के लेल अहाँ एक फोल्डर बनाब सकै छी। अहाँ कंप्यूटर के कोनो भी ड्राइव में फाइल या फोल्डर बना सकै छी। फाइल या फोल्डर बनाब के पश्चात अहाँ ओकरा नाम बदल सकै छी, फिर ओकरा प्रतिलिपि बना सकै छी, ओकरा कतो चाहे त अहाँ पोस्ट कर सकै छी और आवश्यकता अनुसार अहाँ डिलीट सेहो कर सकै छी। हम कोनो ड्राइव में एक नया फोल्डर कोना बनेबै? आसान छे, बस निम्न प्रक्रिया के अपनाओ। पहले स्टार्ट बटन के दबा कर स्टार्ट मेनू के खोलो, तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शित कर के लेल कंप्यूटर पर क्लिक करो, तब डी ड्राइव में उपलब्ध सामान देखा के लेल क्लिक करो डी ड्राइव पर। नया फोल्डर बनावे के लेल मेनू बार में नया फोल्डर पर क्लिक करो, नया फोल्डर के नाम दो सके छी और इंटर दबाओ। अहाँ फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सके छी जकरा सब फोल्डर कहते छ। एक फोल्डर के चयन करो और ओकरा खोलो और ओकरा खाली स्थान पर राइट क्लिक करो, तब पॉप अप मेनू प्रकट होत, वही पर सबसे पहले नया पर क्लिक करो और फिर फोल्डर चुनो। एक फोल्डर सूचित भ जात। फाइल फोल्डर खोल के लेल निम्न के अनुसरण करो, पहले स्टार्ट बटन के दबा स्टार्ट मेनू के खोलो, तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शित कर के लेल कंप्यूटर पर क्लिक करो, तब डी ड्राइव में उपलब्ध सामग्री देख के लेल डी ड्राइव पर क्लिक करो, तब जै फोल्डर के अहाँ खोले चाहे छी वही पर डबल क्लिक करो, वही फोल्डर के अंदर जै सब फोल्डर या फाइल के अहाँ खोले चाहे छी वही पर फिर से डबल क्लिक करो। जब अहाँ डी ड्राइव में फोल्डर सब फोल्डर फाइल बनबे छी
तो संचालित रूप से न्यू फोल्डर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से संरक्षित भ जात फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल के नाम बदल के लेल वही पर अहां राइट क्लिक करू फिर नया पॉप अप में नाम परिवर्तन करू फिर अपन नाम चुनू नया नाम लिखू और इंटर दबाओ फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल के नाम परिवर्तन भ जात विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सहायक सामग्री होत जे अत्यंत उपयोगी होत हम अय उपयोगी सामग्री में से कुछ विषय में सीखे अय उपयोगी सामग्री के देख के लेल निम्न निर्देशन के पालन करू पहले स्टार्ट बटन के दबा स्टार्ट मेनू के खोलू तहा माउस से ऑल प्रोग्राम पर चिन्हित करू ओकर बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करू वही ठमन बहुत एक्सेसरीज के सूचना होत संबंधित एक्सेसरीज पर क्लिक करू पेंट के प्रयोग चित्र के बनाव या फिर परिवर्तन कर के लेल फोटो देखा के लेल होत अहा पेंट के प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी कर में अथवा मौजूदा चित्र में चित्रकारी कर में कह सके छी अहा चित्र के कॉपी कऊ के कोनो दूसर प्रलेख पर पेस्ट कऊ सके छे दीदी हम पेंट के प्रयोग कोना करबे पेंट के उपयोग कर के लेल सबसे पहले स्टार्ट बटन के दबाओ स्टार्ट बटन मेनू के खोलू तहा माउस से ऑल प्रोग्राम पर चिन्हित करू एक्सेसरीज पर क्लिक करू और पेंट के चुनू तब पेंट विंडोज देखाई लागत अहा देखबे कि पेंट विंडोज चार हिस्सा में विभाजित छे पेंट बटन क्विक एक्सेस टूलबार ड्राइंग एरिया एंड रिबन पेंट बटन के साथ अहा कई तरह के काम कर सके छी पेंट बटन के विभिन्न विकल्प छे ओपन न्यू सेव प्रिंट क्विक एक्सेस टूलबार अक्सर प्रयोग में आबा वाला उपकरण छे जेना कि सेव रीडू और अंडू तुरंत उपलब्ध कराबा में अहां के सहायता करत रिबन में दू टा टेब होत होम और व्यू होम टेब ओई उपकरण के उपलब्ध करावत जे चित्र बनाव अथवा ओई में सुधार में प्रयुक्त होत क्लिपबोर्ड इमेज ब्रश टूल शेप और कलर आदि होत क्लिपबोर्ड में तीन विकल्प होत कट कॉपी व पेस्ट जिनका विकल्प के प्रयोग अहा पेंट पर चुनल गेल वस्तु के काट सके छी प्रतिलिपिया प्रतिबिंब बना सके छी अथवा चिपका सके छी ये विकल्प एक ही विषय के कई बेर प्रयोग करे में अहा के सहायता करत प्रतिबिंब के चुनाव अहा के वही विषय के चुना व संपादित करे में सहायता करत जै के अहा चयनित कर चाहे छी काट छाट कर चाहे छी आकृति में परिवर्तन कर चाहे छी हाँ अथवा घुमाव चाहे छी उपकरण टूल के चयन अहा के विभिन्न उपकरण उपलब्ध करा सकते जे में अहा आकृति बना व संपादित कर सके छी एकटा ई उपकरण छे पेंसिल रंग भर के लिख के मिटाव के रंग उठाव के और बड़का बनाव के ब्रश में नीचा के और खुला वाला एक मेनू होत जै में अहा चित्र बनाव के लेल विभिन्न प्रकार के ब्रश के चयन कर सके छी आकृतिया विकल्प से अहा अपने चित्र के विभिन्न आकृतिया द सके छी रंग विकल्प से अहा अपने चित्र में विभिन्न रंग भर सके छी दीदी अहा त ये भी कहने छलो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बिरित अत मुफ्त
ऑपरेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध छे की अहाँ ई के बारे में बेसी ज्यादा जाने छिए? हाँ रोहन, लिनक्स एगो बहुत प्रसिद्ध मुफ्त और ओपन सोर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम छे। आई सॉफ्टवेयर सब के लेल मुफ्त अछि और इंटरनेट से डाउनलोड भी कैल जा सकैत अछि। चलो हम आई पर एक नजर डाले छी। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एगो बहुत जानल मानल वर्जन छे, जे लिनक्स टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित कैल गए छे। लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो जेना दोसर ऑपरेटिंग सिस्टम के तरह होइत अछि। लिनक्स के सबसे खास बात ए छे कि ए बहुत गतिशील छे। उपयोगकर्ता ए सॉफ्टवेयर के विकसित करा, संसाधन करा और प्रसारित करा के लेल स्वतंत्र छे। लिनक्स के दो अलग अलग तरीका से प्राप्त कैल जा सकैत अछि, फ्री डाउनलोड अथवा वितरण के उपयोग क के। लिनक्स दुनिया भर में करोड़ों उपयोगकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग कैल जा रहल अछि। लिनक्स के सब आवश्यक भाग के इंटरनेट में बिल्कुल मुक्त डाउनलोड कैल जा सकैत अछि। वितरण लिनक्स उपयोग करके एक वैकल्पिक रास्ता छे, जे विभिन्न कंपनियों द्वारा पेश कैल जाय छे और अई में विविध प्रकार के एप्लीकेशन वा इंस्टॉल करे वाला प्रोग्राम जोड़ल रहते अछि। लिनक्स के अधिष्ठापन के आसान कह देते अछि। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लिनक्स के वितरण करता होइत अछि, जकरा अबंटू कहैत अछि, जे कैनोनिकल कंपनी द्वारा वितरित कैल जाइत अछि। आब अपना सबके अबंटू के बारे में सीख चाहिए। अबंटू एक स्वतंत्र मुफ्त सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म छे, जे स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर के द्वारा हर जगह चलाल जाइत अछि। अबंटू में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होइत अछि, जे अइमे विंडो अथवा एंड्राइव जेना दोसरे प्रचलित ऑपरेटिंग के जेका बनैत अछि। मेन्यू बार में सामान्य कार्य शामिल होइ छे, जे उबंटू 12.10 में उपयोग होइ छे। यूनिटी डेस्कटॉप पृष्ठभूमि और दो बार रखैत अछि, जेकरा मेनू बार लंचर कहैत अछि। मेनू बार डेस्कटॉप के शीर्ष पर स्थित सहजित पट्टी अछि। लंचर एक खाड़ पट्टी पर अछि, जे मेनू बार के दायां तरफ अछि। मेनू बार में सामान्य कार्य शामिल होइत अछि, जे अबंटू में 12.10 में उपयोग होइत अछि, जे आइकन्स मेनू बार के दाहिना तरफ होइत अछि और ओइ के इंडिकेटर एरिया कहैत अछि। कीबोर्ड सूचक अहाँ के कीबोर्ड लेआउट चुने के और कीबोर्ड के प्राथमिकताओं के बदले के अनुमति देत अछि। संदेश सूचक में सब सोशल एप्लीकेशन के शामिल कयल गेल छी, जे तत्काल इंस्टेंट मैसेंजर क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन और दूसरा सामान्य एप्लीकेशन के सम्मिलित रखाई छे। नेटवर्क इंडिकेटर अहाँ के तार युक्त अथवा तार मुक्त नेटवर्क के आसानी से जोड़ और नेटवर्क कनेक्शन के प्रवर्धित करे के अनुमति देते छे। साउंड इंडिकेटर ध्वनि के मात्रा के रूप में नीक तरह से उपयोग में अपने म्यूजिकल प्लेयर और ध्वनि सेटिंग समायोजित करे के लेल एक आसान तरीका प्रदान करैत अछि। घड़ी सही समय प्रदर्शित करैत अछि और कैलेंडर समय और तारीख सेटिंग के उपयोग करे के लेल आसान तरीका उपलब्ध करबैत अछि। यूजर मेनू में अहाँ के अलग अलग उपयोगकर्ताओं और
ऑनलाइन सामग्री और उपयोगकर्ता के खाताओं के बीच परिवर्तन करके अनुमति देते छ। एक सत्र या सेशन सूचक सिस्टम सेटिंग के उपयोग कर के लेल सॉफ्टवेयर अपडेट कर के प्रिंट डिवाइस के लक कर के लेल सेशन विकल्प प्रदान कर के कंप्यूटर के पुनः आरंभ कर के या नीक तरह से बंद कर के लेल आसान रास्ता उपलब्ध करवेते छ। एप्लीकेशन मेनू एक प्रणाली है जतः कोनो एप्लीकेशन में विभिन्न कार्य जेना परिवर्तन क देखब आदि निष्पादित कैल जा सकते छ। अन्य GUI वातावरण के विपरीत यूटिलिटी में आवेदन मीनू बार के दायां और स्थित छ। एक विशिष्ट आवेदन के देख के लेल अहां सूचक प्रयोग कर के डेस्कटॉप के मीनू बार पर आवेदन आइकन के लेल माउस के स्थानांतरित कर सके छी। ई डेस्कटॉप के मीनू बार में खुद के ऊपर राख के एप्लीकेशन के सक्षम करैत अछि। अहि लेल ई एप्लीकेशन के देख और इस्तेमाल कयल जा सकैत अछि। माउस के मीनू बार से दूर लक वा फीचर जे एप्लीकेशन दिखावैत अछि एप्लीकेशन के मेनू केवल जब जरूरत होइत अछि या नेटबुक और लैपटॉप उपयोगकर्ताओं के लेल फायदामंद होइत अछि और अइ में अधिक मुफ्त वर्क स्पेस प्रदान करैत अछि। ऊर्ध्वाधर पट्टी के आइकन्स जे स्क्रीन के दायां तरफ होइत अछि लॉन्चर कहैत अछि। जब ई लॉन्चर चलायल जाइत अछि तो वो सक्रिय आइकन्स के एप्लीकेशनों के आसान पहुंचाबैत अछि। लॉन्चर में सबसे ऊपर पहिल आइकन डेस कहलावैत अछि जे एक निर्णायक खोज वा मूल तत्व अछि। एगो एप्लीकेशन के जोड़ा के लेल लॉन्चर के एप्लीकेशन आइकन पर दाहिना क्लिक करके और लॉन्चर के लॉक के चयन करके एप्लीकेशन के रन करू। लॉन्चर से एक एप्लीकेशन के हटाव के लेल सबसे पहले एप्लीकेशन आइकन पर दहिना क्लिक करू, फिर आइकन से लॉन्चर के चयन करू। डैश एक औजार छे जे के मदद से आहा कंप्यूटर पर एप्लीकेशन वा फाइल के तेजी से पता लगा सके छी। डेस्क के पता लगाव के लेल लॉन्चर के सबसे ऊपर वाला आइकन जे पर अबंटू प्रतीक चिन्ह बनल होए वही पर क्लिक करू। डैश आइकन के चयन कर पर एक और विंडो खुल जात जे में सबसे ऊपर सर्च बार देखा के साथ ही हाल में इस्तेमाल कैल गेल एप्लीकेशन फाइल और डाउनलोड के सब संग्रह रहत। डैश अहां के स्थानीय स्तर वा सुदूर के सूचना खोजे के अनुमति देत अछि। डेस्क के दो मुख्य विशेषता अछि फाइल वा फोल्डर खोज और एप्लीकेशन खोज। वर्कस्पेस अहां के एप्लीकेशन के एगो समूह में करा के अनुमति अछि जे अव्यवस्था के कम कराय छी और डेस्कटॉप नेविगेशन में सुधार लाबै छी। मूलभूत रूप से उबंटू में चार गो वर्क स्पेस होय छी। एक वर्क स्पेस से दोसर वर्क स्पेस पर जाय के लेल लॉन्चर पर वर्क स्पेस स्विचर पर क्लिक करू। ई एप्लीकेशन अहां के एक वर्क स्पेस से दोसर वर्क स्पेस पर जाय के लेल अनुमति देत अछि। मिनिमाइज बटन विंडोज के वर्तमान में दिखाई पड़ा वाला स्क्रीन से हटा कर ओकरा लॉन्चर में रख दे छी। अधिकतम बटन एप्लीकेशन के विंडोज में पूरा स्क्रीन पर फैला देते छी। विंडोज के बंद करे के लेल विंडोज के ऊपर दायां कोना पर देल गेल क्रॉस बटन पर क्लिक करू। विंडो के वर्क स्पेस एम्हर उम्हर ल जाय वा हटाव के लेल माउस के पॉइंट के
विंडो टाइटल बार पर लो जाओ और माउस के दायां बटन से क्लिक करो तथा दायां बटन के दबा कर रखो और विंडोज के खींचो। विंडोज के आकार बदल के लेल माउस पॉइंटर के विंडो सिर पर या कोना पर एना रखो जैसे माउस पॉइंटर दू तरफ तीर में परिवर्तन भ जात जेकरा रिसाइज आइकन कहत है। माउस के दायां बटन में क्लिक कक तथा दायां बटन के दबा क राख क विंडो के खींचो। कंप्यूटर पर फाइल के पता लगाव के दू तरीका है। सीधे लॉन्चर के डेस्क के माध्यम से जै फोल्डर में फाइल राखल गेल होए ओकरा पता लगा क ओई तक पहुंच सकते है। सामान्यतः उपयोग में लावा जाय वाला फोल्डर वा हाल में ही प्रयुक्त फाइल में फाइल वा फोल्डर टूल के प्रयोग कर सके छी। गो मेनू सामान्यतः प्रयोग में आवा वाला फोल्डर के सूची होते है। गो में जा के लेल अपन माउस के बार पर सबसे ऊपर ला जाकर गो के चुनो तब अई मेनू कंप्यूटर पर क्लिक कर के अपन कंप्यूटर के फाइल खोजो। यदि अहां होम नेटवर्क स्थापित करे छी तो अहां के साझा केल गेल फाइल या फोल्डर के लेल मेनू में आइटम मिल जात। होम फोल्डर के प्रयोग व्यक्तिगत फाइल के संग्रहित कर के लेल केल जायत अछि। ई उपयोगकर्ता के लॉग इन नाम से मिलत अछि। अई में बहुत सारा ऊ फोल्डर होइत अछि जे इंस्टॉलेशन। आई में बहुत सारा फोल्डर छे जे इंस्टॉलेशन के दौरान अपने आप बन जाय छे। आई में डेस्कटॉप, दस्तावेज, डाउनलोड, म्यूजिक, संगीत, चित्र, पब्लिक टेम्पलेट्स और वीडियो शामिल छे। जेना विंडो के पास फाइल वा फोल्डर खोज करे के लेल विंडो एक्सप्लोरर होइत अछि। बस वही प्रकार अबंटू फाइल वा फोल्डर के खोजा के लेल डिफॉल्ट विंडो में नोटी लिस्ट फाइल मैनेजर के प्रयोग करैत अछि। दीदी नोटी लिस्ट फाइल मैनेजर कहाँ है? बस डेस्कटॉप पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो। नोटी लिस्ट फाइल मैनेजर विंडो खुल जाए। डिफॉल्ट विंडो में निम्न के विशेषताएं होइत अछि। मेनू बार, टाइल बार, टूल बार, दाया पेन या बाया पेन। नोटिलस नेविगेट करे के निम्न पद अछि। फोल्डरो के बीच नेविगेट करे के लेल नोटिलस फाइल मैनेजर के दाएं पेन में बुकमार्क्स के प्रयोग करू। वापस जाय के लेल पथ बार में फोल्डर के नाम पर क्लिक करू। एक देखा वाला फोल्डर पर डबल क्लिक आहां के ओई नेविगेट करे में सहायता करत। नोटी लिस्ट के साथ फाइल के खोले के लेल ओकर आइकन पर डबल क्लिक करू अथवा आइकन पर दायां क्लिक करू और ओपन विथ के विकल्प में एक चुनू। नोटी लिस्ट में एक नया फोल्डर बनाव के लेल सबसे पहले फाइल पर क्लिक करू और फिर क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करू। आई के बाद आवा वाला डिफॉल्ट फोल्डर के नाम और टाइटल फोल्डर के इच्छा अनुसार नया नाम द आई नोटी लिस्ट में सुरक्षित भ जात। फाइल या फोल्डर के कॉपी कर या प्रतिलिपि बनाव के स्टेप अछि। सबसे पहले एडिट पर क्लिक करू, फिर आइकन पर क्लिक करू अथवा राइट क्लिक करू और पॉप अप मेनू में कॉपी चुनू। अब अहां कॉपी केल गेल फाइल के अपन इच्छा अनुसार पेस्ट कर दियो। अहां निम्न प्रकार से कई नोटिलस विंडो सेहो खोल सके छी। पहले फाइल बनाओ। अब न्यू विंडो पर क्लिक करू। ई नया विंडो खुल जाए और अहां के फाइल या फोल्डर के
दू स्थान पर ड्रग करे में अनुमति देत। नया टेब खोले के लेल पहले फाइल पर क्लिक करू, फिर नया टैब। फाइल के ब्राउजिंग के लेल प्रयोग करे वाला स्थान के ऊपर दो टैब युक्त एक पंक्ति खुल जात। दूसरा पेन खोले के लेल व्यू पर क्लिक करे, फिर एक्स्ट्रा पेन पर। ई अहां के टैब या विंडो के माध्यम स्विच किए बिना ही दू स्थान पर एक साथ देख के सुविधा देत अछि। आप नोटिस लिस्ट या डेस्क के प्रयोग का फाइल या फोल्डर के खोज सके छी। सबसे पहले नोटिस लिस्ट में गो सर्च करो, फाइल पर क्लिक करो या कंट्रोल के साथ एफ दबाओ या फिर जे खोजे चाहे छी ओकरा टाइप करो। डेस्क में सबसे ऊपर सर्च बार में अहां केवल खोज के टर्म टाइप करो। अबंटू में लिब्रे ऑफिस सबसे अधिक लोकप्रिय सुइट अछि, जे कि डिफॉल्ट रूप से स्थापित होइत अछि। ई एकटा ओहने कार्य प्रणाली उपलब्ध करबैत अछि जे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सिर्फ अइ के एक ही मुक्त स्वतंत्र सॉफ्टवेयर अछि। अइ सब एप्लीकेशन तक लॉन्चर के द्वारा पहुंचल जा सकैत अछि। अइ में निम्न घटक शामिल अछि जे कि दोसर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग नाम से जानल जाइत अछि। राइटर, वर्ड प्रोसेसर, कैल्क, स्प्रेडशीट, इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन मैनेजर, ड्रॉ, ड्राइंग प्रोग्राम, बेस, डेटाबेस, मैथ, इक्वेशन एडिटर। की मुक्त स्वतंत्र सॉफ्टवेयर के विषय में सीख के लेल मजेदार लागल ने? चलू अब हम सब मजेदार गतिविधि में भाग ले। दीदी, की मोबाइल फोन व टेबलेट भी कंप्यूटर के जेका ऑपरेटिंग सिस्टम रखे छे? हाँ रोहन, आइ काल्हि मोबाइल फोन व टेबलेट भी पर्सनल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम भी खूबिया रखैत अछि। साथ ही साथ अन्य खूबिया जेना टच स्क्रीन, सेल्युलर, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस मोबाइल, नेविगेशन, कैमरा, वीडियो कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर या फिर बहुत सारा विशेषता अछि। अधिकांश मोबाइल फोन में एंड्रॉइड, विंडोज अथवा सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होइत अछि। ओ अच्छा, मोबाइल फोन के विषय में हम और बहुत कुछ सीखा चाहे छी, कि हमरा अहाँ और कुछ बता सके छी? हाँ रोहन, बिल्कुल। चलू अत्ता से हम सब शुरू करे छी कि एक मोबाइल फोन में विभिन्न सुविधा प्रयोग कोना कयल जायत अछि। सबसे पहले अपना सब ई सीखे छी जे मोबाइल फोन में फोन कोना कयल जायत अछि। कॉल करे के लेल यानी फोन करे के लेल कीपैड पर नंबर टाइप करू। यदि अहां के पास स्मार्टफोन अछि त होम स्क्रीन पर होम आइकन पर जाऊ, अहां स्क्रीन पर नंबर पैड देखा लागत और ओहि पर अपन नंबर टाइप कर दियो। जै नंबर पर अहां बात करे चाहे छी त ओहि पर अहां कॉल करू। ओकर बाद दाया तरफ हरा बटन अथवा कॉल करे वाला बटन दबाओ। स्मार्टफोन रहत हरा बटन पर टैप देखात और स्क्रीन देखात कि नंबर डायल भ रहल अछि और कनेक्ट भ रहल अछि। अइ तरह से अहां कॉल कर सकै छी। फोन समाप्त करे के लेल यानी काटे के लेल लाल बटन के दबाओ। आब अपना सब सीखब कि कॉल के जवाब कोना दी अथवा जे फोन आबे ओकरा उठाओ कोना। जहां अहां के फोन रिंग करत तहां कॉल के आंसर देबा के लेल हरियर बटन दबाओ। स्मार्टफोन धोबा पर दाया से बाया के तरफ स्वाइप करो। कॉल समाप्त करा के लेल लाल बटन दबाओ अथवा लाल बटन पर टैप दियो। स्मार्टफोन में बाया से दाया स्वाइप करो।
हम जे पहले मिलेने छलिए नंबर वही पर कॉल कोना करबे? आसान छे, सबसे पहले होम स्क्रीन पर दाया तरफ के जे बटन अछि ओकरा दबाओ। एकर बाद डायल केल गेल जे भी प्राप्त नंबर अछि या फिर छूटल नंबर या फिर कॉल आयल कोनो भी नंबर मिस कॉल होए रिसीव कॉल होए जे भी होए ओकरा अहाँ नीचा ऊपर कक आराम से देख सके छी। सारा सूची अहाँ के दिखाई लागत। जेना स्मार्टफोन पर फोन आइकन पर टैप दियो, ई भी डायल केल गेल प्राप्त केल गेल या फिर छूटल नंबर सब के सूची देखात। एकर पश्चात नंबर चुनू और हरा बटन दबाओ। स्मार्टफोन में ओई नंबर पर टैप करो और नंबर डायलिंग स्टार्ट भाव जाए। अहाँ कॉल इतिहास एना देख सके छी। पहले स्टैंड बाय मोड में मीनू दबाओ। स्मार्टफोन होबा पर फोन आइकन पर टैप करू, तब कॉल रजिस्टर कॉल इतिहास कॉल लॉग चुनू। ओकर बाद ई प्राप्त कॉल छूटल कॉल डायल केल गेल कॉल तीनों आराम से देखात। जै टैब के अहाँ देखा चाहे छी ओहि पर क्लिक करू, ओ अहाँ के कॉल के सूची वा समय तिथि साथ में देखात। स्मार्टफोन होबा पर सब कल के एक सूची में देखात। हरा तीर प्राप्त कल, नीला तीर डायल कैल गेल कल वा लाल फोन में जो ध्वनि होई छे यानी आवाज ओई के अहाँ निम्न स्तर रूप से अपना हिसाब से अनुकूल राख सके छी। सबसे पहले फोन के जे मुख्य स्क्रीन मेनू छे उ बटन दबाओ, फिर विकल्प मेनू में सेटिंग पर क्लिक करू। ओकर बाद सेटिंग मेनू में साउंड आ ऑडियो विकल्प चुनू। ओकर बाद साउंड मेनू में वॉल्यूम विकल्प खोजो, रिंगर या रिंग टोन में वॉल्यूम के कंट्रोल पायल जाते छ। अंत में स्पीकर विकल्प पर चुनो और कीपैड के ऊपर नीचा कक वॉल्यूम के लेवल मिलाओ। अहाँ के स्मार्टफोन में आवाज के नियंत्रण करे वाला बटन बाहर होते छ, मात्र एमहर ओमहर दबा का आवाज के जे सेटिंग छे ओकरा अहाँ मिला सके छी। दीदी, हम अपन मित्र अमित के फोन नंबर नाम ओहि में हम लिख चाहै छी, से केना कह सके छी? अहाँ नया नंबर के एना जोड़ सके छी। जब फोन स्टैंड वाइड मोड में होए तो सबसे पहले मीनू दबाओ। स्मार्टफोन होवा पर फोन आइकन पर टैप करू, तब मीनू विकल्प में अपन फोन के फोन बुक पर जाओ। ई होम स्क्रीन पर फोन के एक चित्र अथवा संपर्क फोन के फोन बुक या संपर्क से दिखा देत। अब उपलब्ध विकल्प में न्यू कांटेक्ट पर चयन करू। पहले जे संपर्क के अहाँ जोड़ चाहे छी ओकर नंबर एरिया कोड स्क्रीन पर दिखाए वाला फॉर्म पर भरू। स्मार्टफोन में नंबर पैड पर अंक टाइप करू। तब फॉर्म में उपयुक्त स्थान पर अपन मित्र के पहला व अंतिम नाम लिखो। अब ओकरा संरक्षित करे के लेल सेव या एड टू कॉन्टेक्ट दबाओ। टाइप द कर सुनिश्चित करो। अब नया संपर्क अहाँ के मोबाइल में जुड़ जायत। फोन में पहले से ही संरक्षित संपर्क के विवरण में एडिट करे के लेल संपर्क में नाम चुनो, एडिट के चयन करो, टाइप द कर सही विवरण टाइप करो और फिर सेव चयन करो, टाइप दियो। अब हम अहाँ के ई सिखायब जे ककरो संदेश कोना भेज सके छिये। आब संदेश सेवा, फिर लिखो, संदेश के बनाओ और चयन करो। एक स्मार्टफोन में होम स्क्रीन पर मैसेजिंग आइकन होते छ, ओकरा खोजो, ओई पर टिप दियो और अहाँ के देखा लागत कि संदेश के सूची खुल जात।
संदेश बनाओ, संदेश लिखो, स्मार्टफोन में राइट मैसेज आइकन पर टिप दियो, टेक्स्ट बॉक्स में संदेश लिखो, चित्र या कुछ अन्य जोड़ के लिए विकल्प के चयन करो, फिर इंसर्ट ऑब्जेक्ट दबाओ, स्क्रॉल कौ के नीचे वांछित पिक्चर या ऑब्जेक्ट आए, व्यू तहां इंसर्ट दबाओ, नियमित स्थान पर प्राप्तकर्ता के नंबर लिखो, अथवा यदि अहां सुरक्षित कहने छी त कोनो संपर्क के संदेश भेजे चाहे छी त फोन बुक पर क्लिक करो, संपर्क के चयन करो आ ओके पर क्लिक कर दियो। स्मार्टफोन में प्राप्तकर्ता के नाम के कुछ अक्षर टू कॉल में लिखो, फिर अहां के अपने आप पूरा नाम दिखाए लागत, फिर अहां वही बुक के सूची करो, फिर वंचित कह अहां टाइप करो, भेजा के लिए भेजो पर क्लिक करो या टाइप करो, प्राप्तकर्ता के मैसेज भेज दिल जाए। मुख्य सूची पर वापस आबा के लिए समाप्त और निरस्त पर क्लिक करूं या टैप दियो, आहा आपन संदेश इना पढ़ सकै छी। जब आहा के संदेश प्राप्त होत तहन आहा के होम स्क्रीन में सबसे ऊपर लिफाफा के निशान आइकन पर दिखाए लागत, स्क्रीन पर एक बक्स में एक मैसेज रिसीव लिखल भेल दिखाए लागत। नया संदेश देखा के लेल शो पर दीदी की हम मोबाइल फोन के द्वारा इंटरनेट के प्रयोग कर सके छिए? बिल्कुल रोहन, अहां आराम से कर सके छी। अरे ये तो बहुत अच्छा बात छे, मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट के प्रयोग कर के लेल हम कोना करबे? मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट के प्रयोग कर के लेल अहां के चाही एक मोबाइल फोन जे इंटरनेट एक्सेस या उपयोगी समर्थित करित होए, एक मोबाइल फोन सेवा जे डाटा संचरण का समर्थन करित होए, जेना 2G, 3G और वाईफाई। फोन द्वारा इंटरनेट तक पहुंचे के लेल डाटा सेटिंग के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से एक खाता, बहुत सारा मोबाइल फोन डाटा अकाउंट सेटिंग के साथ ही आवेत है। यदि आहा के नहीं है तो आहा सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा केंद्र से बात कर सके छी। आहा अपन स्मार्टफोन पर मोबाइल इंटरनेट सेवा अई तरह से स्थापित कर सके छी। सबसे पहले स्मार्टफोन के सेटिंग मेनू पर नेविगेट करो, स्मार्टफोन में ई SMS मेनू के सेटिंग आइकन के माध्यम से या कभी कभी नोटिफिकेशन बार के माध्यम से कैल जायत है। सेटिंग मेनू में अहां के वायरलेस व नेटवर्क सेटिंग खोजे पड़त, ज्यादातर उपकरण में मोर या मोर सेटिंग बटन जे भी उपलब्ध हो ओय पर क्लिक करो। जब वायरलेस या नेटवर्क सेटिंग भ जायत है त अहां इंटरनेट वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ सकै छी। वाईफाई से जोड़ के लेल निम्न पद अनुसरण करू, पहले सेटिंग विकल्प से अथवा नोटिफिकेशन मेनू में वाईफाई बटन के क्लिक कर के वाईफाई विकल्प के चालू करू। अब अहां के उपलब्ध इंटरनेट नेटवर्क के सूची देखा लागत, यदि यहां वाईफाई नेटवर्क पहले से सेवा लौ रहल छी त ऑटोमेटिक जुड़ जात, नहीं तो अहां के वाईफाई नेटवर्क जेमे जोड़ा परत पासवर्ड के आवश्यकता होय त इंटर करो और कनेक्ट पर क्लिक करो। इंटरनेट के उपयोग करे के लेल इंटरनेट ब्राउजर के उपयोग करो, इंटरनेट के लेल मोबाइल नेटवर्क जोड़ पहले वायरलेस वार नेटवर्क विकल्प में मोर सेटिंग के विकल्प पर जाओ, तब मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करो, ओत अहां के मोबाइल डाटा चेक बॉक्स के चेक करप। कीपैड आधारित फोन में भी हर आदमी बड़ी आसानी से इंटरनेट के उपयोग कर सकते छ, पहले मेनू में जाओ, फिर इंटरनेट चुनो, तब या तो
होम पेज के चयन करू अन्यथा होम स्क्रीन में जीरो के कुछ क्षण दबा कर रखू। ओकर बाद वेब एड्रेस एंटर करू और गो टू एड्रेस के चयन करू। तब एड्रेस इंटरनेट क ठीक से चुनू। वेब खोज के लेल यदि अहाँ पहिल बेर सर्च कर रहल छी तो सर्च के चयन करू और खोज जाय वाला विषय के दर्ज करू और सर्च के चयन। हमर मोबाइल में रेडियो है, हम ओकरा कोना सुन सके छी? रेडियो सुना के लेल सबसे पहले स्टैंड वाई मोड में मेनू दबाओ, तब मीडिया या फिर रेडियो पर जाओ। स्मार्टफोन ऐसे तो मेनू में रेडियो आइकन पर टाइप करू, फिर फोन के संगत हेडसेट में जोड़ू। ई अहाँ के एक एंटीना के जका कार्य करित अछि। एकर बाद ऑटोमेटिक अथवा मैनुअल ट्यूनिंग विकल्प के चयन करू, जे रेडियो चैनल अहाँ सुनय चाहै छी फिर ओकरा चयन करू। चैनल सेवा करू और विकल्प चुनू, चैनल सुरक्षित करू। अहाँ ऊपर नीचा स्क्रॉल कऽ के वॉल्यूम सेट करू। रेडियो बंद करे के लेल विकल्प, फिर बंद करू या चेन ककर टीप दियो। बिल्कुल, हमरा इहो बता देव जे अहाँ के मोबाइल फोन पर गाना केना बजैत अछि। पहले स्टैंड वाई मोड में मेनू दबाओ, तब फोन में उपलब्ध एप्लीकेशन के देख के लेल मल्टीमीडिया मेनू खोलू। म्यूजिक एप्लीकेशन मीडिया आ गैलरी के रूप में दर्शायल जायत अछि। तब म्यूजिक या साउंड के चयन करू। अपन मीडिया प्लेयर पर उपलब्ध गाना के ब्राउजर करू वा ओय में से अपन डिवाइस पर बजाव के लेल एक गाना के चयन कक बजाओ। गाना रोका के लेल अथवा पुनः चालू करा के लेल प्ले पॉज प्ले पर टैप दियो। एकेटा बटन अछि जे प्ले और पुश दुनू के कार्य करैत अछि। म्यूजिक प्लेयर से निकल के लेल दाया तरफ के लाल बटन के दबाओ। स्मार्टफोन में पॉज बटन पर अब कुछ ऐ तरीका के बारे में सीखे छी जे मोबाइल फोन से फोटो कोना लेल जाए। सबसे पहले स्टैंड वाई मोड में मेनू दबाओ, मीडिया चुनू और फिर कैमरा चुनू। स्मार्टफोन ऐसे तो कैमरा आइकन खोज कर ओहि पर टिप दियो। तब डिस्प्ले स्क्रीन के व्यू फाइंडर के तरह प्रयोग करू। ऊपर नीचा क के जूम कर सके छी, फोटो लेवत समय बड़का आ छोटका कर सके छी। स्मार्टफोन में अंगली ल क फोटो लेत काल ओकरा फैला सके छी या फिर छोट कर सके छी अंगली के हिसाब से। फोटो लेवा के लेल सेलेक्ट या हाँ बटन पर चयन करू। स्मार्टफोन में कैमरा आइकन खोज कर ओहि पर टीप का फोटो खींचू। सेव बटन के दबा कर फोटो के सेव करू। स्मार्टफोन में फोटो एल्बम या गैलरी में स्वयं सेव भ जायत अछि। ई कुछ तरीका अछि जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कैल जा सकैत अछि। मेनू में जाकर फोटो और फिर वीडियो कैमरा के चयन करू। स्मार्टफोन अछि तो कैमरा आइकन पर टिप दियो, तब स्क्रीन के प्रदर्शन के व्यू फाइंडर के तरह प्रयोग करू। जूम इन और जूम आउट करे के लेल ऊपर नीचा उंगली से एम्हर ओम्हर करू। स्मार्टफोन में अपन उंगली के चुटकी के फैला कर अथवा छोट क के स्क्रीन प्रदर्शित क्षेत्र के आकार के डबल कर सके छी। रिकॉर्डिंग चालू करे के लेल रिकॉर्डिंग के चुनू। जो स्मार्टफोन हो त स्क्रीन पर मौजूद छोट लाल आइकन पर टिप दियो। रिकॉर्डिंग के रोकय के लेल स्टॉप दबाओ। स्मार्टफोन हो त लाल आइकन पर फिर से टिप दियो। स्मार्टफोन में एल्बम या गैलरी में स्वयं संरक्षित भ जायत अछि। मोबाइल फोन वा स्मार्टफोन तीव्र गणना के लेल उपयोगी होइत अछि। ई कोना संभव छे? कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेटर कोना प्रयोग करबे से ई तरीका छे। सबसे पहले स्टैंड वाई मोड में मेनू दबाओ,
आव ऑर्गेनाइजर और फिर कैलकुलेटर के चयन करू। स्मार्टफोन ओइ में कैलकुलेटर आइकन मेनू में खोज कर ओइ पर टीप दियो। फोन के नंबर फेड कर प्रयोग कर वाला नंबर लिखो, फिर जोड़ घटाओ गुना भाग फंक्शन के चयन करो, फिर दूसर अंक लिखो, फिर उत्तर जाना के लेल। धन्यवाद दीदी, अहां के कारण हमरा मोबाइल फोन के बारे में इतने जानकारी प्राप्त भेल। हमरा टेबलेट में भी दिलचस्प अछि, की अहां वही के बारे में जाने छिए? हाँ बिल्कुल रोहन, चलू हम टेबलेट के बारे में जाने छी। टैबलेट कंप्यूटर के छोट हल्का और अधिक प्रबंधनीय रूप छे। बेतार रहित लौ जायोग्य अंतर छे, जै में सूचनाओं तक पहुँचे के लेल अथवा प्रोसेस कर के लेल स्पर्श इनपुट के तरह से प्रयोग होते छे। टैबलेट में उ ऑपरेटिंग सिस्टम होते छे जे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपलब्ध करवेत छे, एप्लीकेशन के चला सकेत छे। टैबलेट के सुप्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम छे एंड्रॉइड, विंडोज आ iOS। टैबलेट मुख्यतः दू भाग में बांटल गेल छे, फोन सुविधा के साथ साथ कॉल सुविधा के बिना। टैबलेट जे कॉल के सुविधा के साथ होते छे ओ सिम कार्ड के लेल एकटा खांच बनल होते छे। अहां के कॉल करे के लेल, प्राप्त करे के लेल अथवा संदेश भेजा वा संदेश प्राप्त करे के लेल सिम कार्ड तथा कोनो मोबाइल नेटवर्क के कनेक्शन के आवश्यकता होते छे। टैबलेट जेमे कॉल सुविधा नहीं होते छे ओई में सिम कार्ड के लेल खांच नहीं बनल होते छे, लेकिन ओई में अन्य सब सुविधा सामान्य होते छे। मुदा तैयो अहां इंटरनेट के प्रयोग से कॉल करे में समर्थ रहब। चलू आब हम टैबलेट के कुछ विशेषता के बारे में जाने छी। अधिकतर टैबलेट निम्न उद्देश्य के लेल प्रयोग होते छे, कॉल करे के लेल, कॉल प्राप्त करे के लेल, संदेश भेजा वा संदेश प्राप्त करे के लेल, गाना सुना के लेल, फोटो खींचा वा वीडियो बनावा के लेल, वीडियो देखा के लेल, ई पुस्तक पढ़ा के लेल, इंटरनेट चलावा के लेल, ईमेल भेजा वा प्राप्त करे के लेल, म्यूजिक फोटो और वीडियो अन्य सब किछ एक साथ रखा के लेल। निम्न तरीका सा टैबलेट पर म्यूजिक सुनल जा सकते छ। एप्लीकेशन मेनू पर जाओ, तब म्यूजिक पर टाइप कर बैकग्राउंड संगीत इंटरफेस के इंटर करो। अब अहां के म्यूजिक फाइल सूची के हाल में ही एल्बम कलाकार संगीत प्लेलिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प के चयन कर वर्गीकृत कर सके छी। फिर गाना के एक सेकेंड के लेल दबाओ यानी टीप दियो, जैमे विकल्प मेनू प्रकट भ जात। अई के बाद अहा प्ले एड टू प्ले लिस्ट सॉफ आर्टिस्ट आ सर्च विकल्प में से कोनो एक के चयन करू। आब प्ले पर टीप का पासवर्ड संगीत इंटरफेस के इंटर करू और फिर बजाव के लेल गाना पर टीप दियो। निम्न तरीका से टैबलेट में फोटो खींचल जा सकते छ। एप्लीकेशन मेनू पर जाओ और कैमरा आइकन पर टीप कर कैमरा इंटरफेस के इंटर करू। आब फोटो मोड चुनू, इच्छित फोटो मोड पर टीप दियो। कैमरा के विषय के और केंद्रित करू। ऑटो फोकस के सक्रिय कर के लेल स्क्रीन पर कोनो स्थान के छू और दबा कर रखो। फोटो लेवा के लेल अंगुली के उठाओ। टैबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करा के लेल एप्लीकेशन मेनू पर जाओ और कैमरा आइकन पर टाइप द कर कैमरा इंटरफेस के इंटर करो। अब वीडियो मोड चुना के लेल फोटो मोड में पसंद
केल हुए आइकन पर टैप करू। कैमरा के विषय के ओर केंद्रित करू। टाइप द क रिकॉर्डिंग शुरू करू। रिकॉर्डिंग बंद कर के लेल टाइप दियो। फोटो व रिकॉर्डिंग कैल गेल वीडियो के मिटाव के स्टेप्स छे। जय फोटो या वीडियो के अहां डिलीट कर चाहे छी, मिटाव चाहे छी, ओकरा खोजू। ड्रेस आइकन पर फोटो देखात, जो ओकरा अहां डिलीट कर चाहे छी तो ओय पर टिप दियो। फोटो या वीडियो के मिटाव के लेल अय पर टिप दियो। अहां फोटो और वीडियो अय तरह से देख सके छी। पहले एल्बम खोज कर ओय पर टिप दियो। तहां जाए फोटो या वीडियो के अहां देख चाहे छे ओय पर टैप दियो। आगा के फोटो देखा के लेल बाई के ओर धकेलो, या फिर पाछा के फोटो या फिर वीडियो देखा के लेल दाया के ओर धकेलो। वीडियो देखा के लेल निम्न के अनुसरण करो। मेनू से पिक्चर और एल्बम खोलो। आव ग्रिड व्यू अथवा लिस्ट व्यू के प्रयोग क जे वीडियो के अहां देख चाहे छी ओय के खोलू। जे वीडियो के अहां देख चाहे छी ओय पर टिप दियो। यदि प्लेबैक नियंत्रण प्रदर्शित नै भ रहल अछि त ओकरा देख के लेल स्क्रीन पर टिप दियो। वीडियो रोक के निम्न पद छे। जब वीडियो चल रहल होय त प्लेबैक के नियंत्रण देख के लेल स्क्रीन पर टिप दियो। ओकर बाद वीडियो के रोक या फिर चलाव के लेल पॉज या फिर रीस्टार्ट पर टिप दियो। वीडियो पाछा कर अथवा तेजी से आगा बढ़ाव के सेहो पद छे। जब वीडियो चल रहल होय त प्लेबैक नियंत्रण देख के लेल स्क्रीन पर टिप दियो। एकर बाद वीडियो के तेजी से आगा ल जाय के लेल प्रोग्रेस बार मार्कर के दाया और आ पीछा ल जाय के लेल बाया और खींचू। टैबलेट में ई बुक पढ़ के लेल पहले टैबलेट में इंस्टॉल कैल हुए डिफॉल्ट बुक के रीडर पर जाओ। फिर बुक रीडर आइकन पर टिप दियो। ओकर बाद पहले इंस्टॉल कैल गेल किताब में से जे किताब पढ़ चाहे छी ओकरा चयन करो। फिर किताब पढ़ प्रारंभ कर के लेल हम सुनने छी जे अहां अपन टैबलेट में से ईमेल भेज व प्राप्त कर सके छी। हाँ रोहन, टैबलेट पर इंस्टॉल कैल हुए विशिष्ट एप्लीकेशन के प्रयोग कर के लगभग सब पॉप अप आ IMAP ईमेल पता उपयोग कर के लेल ईमेल भेज व प्राप्त कर के लेल कर सके छी। चलू हम अहां के टैबलेट में ईमेल लिख के तरीका बतावे छी। मेनू में इंटरनेट ब्राउजर आइकन पर क्लिक करो। फिर ईमेल आइकन पर क्लिक करो। एक विंडो खुलत जे के शीर्ष पर एक सेजित बार रहत। जे ईमेल सर्विस प्रदाता के उपयोग कर चाहे छी ओय URL इंटरनेट के उदाहरण के लेल www.gmail.com। आब देल गेल स्थान पर यूजर नेम व पासवर्ड द क साइन इन पर टिप दियो। अतः अई पृष्ठ पर कंपोजर राइट न्यू पर टिप दियो। नई विंडो में सेवा के क्षेत्र में ईमेल आईडी पर इंटर करो। विषय के क्षेत्र में विषय इंटर करो। बीच के खाली स्थान में संदेश इंटर करो। तत्पश्चात सेंड आइकन पर टिप दियो। प्राप्त ईमेल के पढ़ के लेल पहले जब अहां के कोनो ईमेल प्राप्त होय त स्क्रीन पर सबसे ऊपर लिफाफा बन क आवत अछि। आइकन के देख के लेल स्क्रीन के नीचा खिसकाओ, नहीं तो मेनू में ईमेल भेजा वाला आइकन पर जाओ। आब आइकन पर टिप दियो। स्क्रीन पर अहां के ईमेल बॉक्स खुल जात। ईमेल पर टिप क और ओकरा पढ़ू।
हम कोनो फाइल के टैबलेट में कोना खोजबे? टैबलेट में फाइल या फोल्डर खोजे के दू तरीका अछि। अहाँ या तो टैबलेट पर स्थापित फाइल मैनेजर के प्रयोग कर सके छी या तो होम स्क्रीन पर। फाइल मैनेजर के प्रयोग कऽ कऽ होम स्क्रीन पर फाइल मैनेजर या फाइल ब्राउजर ऐप ढूंढ सके छी। ओहि पर टिप कऽ सबसे ऊपर माय फाइल देखायत। सूची से वंचित फाइल या फोल्डर खोजू, ओकरा खोले के लेल ओहि पर टिप दियो। सर्च इंजन के प्रयोग करू। होम स्क्रीन पर मैग्नीफाइंग ग्लास के जिका देखा वाला सर्च आइकन की खोजू, ओहि पर टिप दियो, जैसा एक नया विंडो प्रकट भ जात। अहाँ देखबे कि एक सज्जित टैप में सर्च लिखल रहत। ओहि सूचना के अहाँ खोजे चाहे छी, ओहि सूचना के अहाँ पहचान शब्द लिखो। ऑनलाइन सर्च के परिणाम स्क्रीन पर आबि जायत। एकरा खोले के लेल हम टैबलेट में संदेश कोना भेज सके छी? टैबलेट में संदेश भेजे के लेल निम्न अनुसार चल पड़त। हम होम स्क्रीन पर मैसेजिंग आइकन खोजू अथवा मेनू आइकन पर टिप दियो। सब एप्लीकेशन में मैसेजिंग आइकन खोजू। मैसेजिंग आइकन पर टिप देला के बाद अहां प्राप्त सूची देखू। राइट न्यू आइकन खोजू, जेकि स्क्रीन पर एक लिफाफे के साथ जमा के चिन्ह अथवा पेंसिल के साथ जमा के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कैल गेल होइत अछि। ओहि पर टिप दियो। टू कलम में प्राप्तकर्ता के नाम के कुछ शब्द लिखियो। अहां कनेक्ट बुक से कुछ नाम के सूची देखत। वंचित नाम पर टिप दियो। ओ नाम टू कलम में छिप जात। राइट मैसेज पर टिप दियो और अपन संदेश लिख के शुरू करू। संभावित आइकन पर टिप दियो। अहां फाइल दस्तावेज फोटो या म्यूजिक फाइल अपने संदेश के साथ जोड़ सके छी। सेंड आइकन पर टिप दियो। अहां के संदेश भेज देल जात। एहि प्रकार से अहां प्राप्त कैल गेल संदेश पढ़ सके छी। जब अहां के संदेश प्राप्त हैत, तहन अहां के स्क्रीन के ऊपर में मैसेजिंग आइकन दिखाय लागत अथवा होम स्क्रीन के मैसेजिंग आइकन पर एक अंक लिखल पायल जात, जे कि प्राप्त नया संदेश के संख्या दर्शायत। ओहि पर टिप दियो। मैसेजिंग विंडो खुल जात, जैसा प्राप्त भेल संदेश के सूची रहत जे में। फिर अहां जे संदेश पढ़ा चाहे, हम टैबलेट के द्वारा इंटरनेट कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल, मोबाइल के जेका टैबलेट के द्वारा इंटरनेट दू तरह से चला सके छी। पहिल, वाईफाई से जोड़ का। टैबलेट वाईफाई निम्न रूप से जोड़ल जायत अछि। सबसे पहले अहां अपन टैबलेट के सेटिंग मेनू में जाओ। वाईफाई के विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन चित्र में देल गेल अहां के उपलब्ध इंटरनेटवर्क के सूची देखायत। अहां वाईफाई नेटवर्क सूचना चुनू, जैसे अहां जुड़े चाहे छी। यदि पासवर्ड के आवश्यकता हो तो पासवर्ड द क कनेक्ट पर क्लिक कर दियो। इंटरनेट ब्राउजर के प्रयोग क क इंटरनेट चलाओ। अहां टैबलेट के भी मोबाइल नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट से जोड़ सके छी। एकर तरीका ई अछि। पहले ई सुनिश्चित क लिया कि अहां के टैबलेट में मोबाइल नेटवर्क वाला सिम कार्ड अछि। फिर टैबलेट के द्वारा इंटरनेट से जोड़ू। अहां नोटिफिकेशन बार के नीचा खींच सके छी और मोबाइल डाटा विकल्प के चयन कर सके छी। या अहां वायरलेस नेटवर्क विकल्प में मोर सेटिंग में जा सके छी। फिर मोबाइल नेटवर्क बटन पर क्लिक करू, जतय अहां के मोबाइल डाटा चेक बॉक्स के चेक कर के रहत। एक बेर मोबाइल पर क्लिक केला के दीदी अहां कहने छलौ जे कुछ टैबलेट फोन के जेका प्रयोग केल जा सकैत अछि, हम कोना कह सकै छी? जब अहां के टैबलेट बंद भ जाय तऽ
अहाँ ओहि सिम कार्ड के स्लॉट में वैध GSM सिम कार्ड राख पड़त। चलू आब हम देखे छी कि टैबलेट में फोन कॉल कोना कर सके छी। होम स्क्रीन पर रिसीवर आइकन पर टिप दियो। अहाँ जेकरा फोन करे चाहे छी उ नंबर दबाओ, फिर रिसीवर आइकन टिप दियो। ओकर बाद जब उ जोड़ जात त अहाँ बात कर सके छी। अहाँ यदि संपर्क पुस्तिका अथवा संपर्क सूची से कोनो फोन करे चाहे छी त निम्न पद के अनुसरण करू। पहले अहाँ टैबलेट के फोन बुक अथवा संपर्क सूची में जाओ, फिर ओकर नाम के खोजू जेकरा से अहाँ बात करे चाहे छी। ओकर बाद जेकरा से अहाँ बात करे चाहे छी ओहि नंबर पर टिप दियो। फिर जेकरा से संपर्क करे चाहे छी ओहि नंबर पर यानी ओकरा नंबर पर दबा दियो। फिर संपर्क जुड़ला के बाद बात करू। चलू हम अहाँ के टैबलेट के और विशेषता के बारे में बताबे छी। सच में रोहन, टैबलेट में बहुत सारा भाषा संचालित होइत अछि, बुझलिए? और अहाँ ओहि में कोन भाषा चलाबे चाहै छी, कोन भाषा अहाँ के आसान है, अहाँ के अपन भाषा कोन है, ओहि के अहाँ चयन कर सकै छी और ओकरा चला। चलू हम सीखै छी जे एकरा केना निमित करी। सबसे पहले एप्लीकेशन मेनू में सेटिंग पर जाओ और सूची में से भाषा व इंटर के चयन करो। फिर भाषा पर टिप दियो और अहा भाषा के सूची देखो। ओकर बाद वंचित भाषा पर टिप दियो, भाषा तखने सेट भ जात। अत अहा कीबोर्ड पर भी उ भाषा चुन सके छी जेकरा अहा इनपुट कर समय स्क्रीन पर देख सके छी। तिथि व समय निमित करे के लेल निम्न पदों के अनुसरण करू। एप्लीकेशन मेनू में सेटिंग पर टिप दियो और सूची में से तिथि व समय के चयन करू। ऑटोमेटिक के चुनो, जैसा तिथि व समय श्वेत नेटवर्क के प्रयोग करते हुए सेट भ जात, अथवा ऑटोमेटिक के निरस्त क के अपना अनुसार सेट करू। दीदी अहाँ हमरा टैबलेट में एप्लीकेशन इंस्टॉल करा के सिखा सके छी? हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन या ऐप टैबलेट के मुख्य विशेषता होइत अछि, जे कि अहाँ के सेवा प्रदान करे के रास्ता आसान बना देत अछि। सबसे पहले टैबलेट के मेनू विकल्प में जाओ और फिर मेनू में प्ले स्टोर विकल्प पर टिप दियो। यदि शुल्क रहित एप्लीकेशन अछि त अहाँ केवल इंस्टॉल बटन पर टिप दियो और अहाँ के टैबलेट स्वत एप्लीकेशन के डाउनलोड व इंस्टॉल कऽ देत। यदि ऐप के मूल्य अछि त अहाँ पे के बटन देखी, जै के दबाते ही एक पॉप अप बक्स खुल जात, जै में ई सवाल रहत कि अहाँ ई ऐप खरीदा चाहै छी। हाँ के विकल्प चुनकर जेकर पुष्टि कैल जात पर अहाँ के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जानकारी व भुगतानी के विवरण भर पड़त। फिर एप्लीकेशन के इंस्टॉल करे के लागी स्क्रीन पर आवा वाला निर्देशन के पालना करे पड़त। आप बस अभी के लेल एतवे रोहन, कि मोबाइल व टैबलेट के विषय में जानल मजेदार छल की? हाँ बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मोबाइल फोन व टैबलेट के विषय में बहुत किछ जान गेलिए। अच्छा अब अपना सब के कोनो समस्या नहीं है, अब अपना सब मजेदार गतिविधि से चलाब।